वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो ये शाम का टाइम है और यहाँ हम मैं हूँ, दोनों भाभी हैं, सब लोग खाने पीने की तैयारी कर रही हैं। तो बड़ी भाभी आटा गूंथ रही हैं, मैं पनीर वगैरह जो है धुल रही हूँ, और छोटी वाली भाभी जो है मसाला वगैरह की तैयारी कर रही हैं, मतलब सिलबट्टे पे उसको जो है पीस रही हैं। तो इधर मैं मटर और पनीर को धुल रही हूँ, और मटर पनीर की सब्ज़ी बनेगी क्योंकि आज कुछ स्पेशल डे है। तो आज है छोटे भाई और भाभी की मैरिज एनिवर्सरी, तो आज छोटे भाई और भाभी की मैरिज एनिवर्सरी है, और ऊपर सब लोग जो है थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं ऊपर इनके रूम में, और इधर हम लोग खाना पीना बना रहे हैं दोनों भाभी और मैं। और आज फिर मटर पनीर की सब्ज़ी बनेगी, और पिछले वाले ब्लॉग में मेरे मटर पनीर की ही सब्ज़ी थी। तो जैसे कोई स्पेशल डे हो गया ना, तो मतलब पनीर हो गया या छोले हो गए, राजमा वगैरह हो गया, बाकी तो वेज में यही सब बनता है। तो बस वही आज फिर मटर पनीर बन रहा है, और इधर बड़ी भाभी आटा गूंथ रही हैं, और बस ये सब खाना पीना हो जाएगा, फिर ऊपर जो है भाभी के रूम में हम लोग जाएंगे तैयार होके। तो बस इधर सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, बड़ी भाभी आटा गूंथ रही हैं, छोटी वाली भाभी मसाला वगैरह निकाल रही हैं सब्ज़ी के लिए, और फिर इधर जो है मटर पनीर की सब्ज़ी बन रही है। तो मटर पनीर की रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर दी है, तो इसलिए बस वैसे ही आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला था और उसमें थोड़ा सा जीरा, तो जीरा चटक गया था, तो डेली रूटीन के मसाले थे, और मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो फिर इसमें टमाटर और प्याज की प्यूरी जाएगी, प्यूरी बना के रखा हुआ है। तो ये देखिए मैं मसालों को अच्छे से भुन रही हूँ, और जीरा राइस था इसके साथ और पूड़ी थी। तो आज का मेन्यू यही है, मटर पनीर की सब्ज़ी, जीरा राइस और पूड़ी और सलाद। तो जीरा राइस भी बनके रेडी हो गया है, कुकर में ही बना था। तो ये देखिए मसाले वगैरह अच्छे से भुन गए हैं, अब इसमें मैं प्याज की प्यूरी डालूंगी और उसके बाद फिर टमाटर प्यूरी। जब ये थोड़ा सा अच्छे से भुन जाएगा ना, तो फिर इसमें टमाटर प्यूरी भी जाएगा। और ये देखिए अच्छे से इसको भुन रही हूँ। तो इसमें टमाटर प्यूरी भी पड़ गया है, और ये सब अच्छे से भुन जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा जाएगा गरम मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। तो बस ये सब अच्छे से जब भुन जाएगा, तो फिर इसमें मटर ऐड होगा, और ये देखिए मैं इसमें गरम मसाला भी थोड़ा सा ऐड हुआ है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी जाएगा, ये देखिए। तो बस इसमें दोनों जो है मिक्स हो गया है, और इसमें हरी मिर्च भी पिसा हुआ था क्योंकि सिलबट्टे का मसाला था, तो इसलिए ज़्यादा इसमें लाल मिर्च का पाउडर नहीं गया है। तो बस ये सब अच्छे से भुन जाएगा, तो इसमें मटर ऐड होगा, और मटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर पनीर जाएगा इसमें, ये देखिए। और इसको भी अच्छे से भुनना है थोड़ा सा, और जब मटर सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें पनीर भी ऐड हो जाएगा और नमक। तो बस अच्छे से भुन चुके हैं, और ये देखिए पनीर भी काट करके रखा हुआ है। तो बस मटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे थोड़ा सा, तो पनीर भी ऐड हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, नमक जाएगा, बाकी और कुछ नहीं जाएगा। तो बस ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा सब, तो इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, और उसके बाद थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी, लिक्विड ही रहेगा ये सब्ज़ी। तो बस हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी रेडी हो गई है, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। ये देखिए थोड़ा सा पानी गया है इसमें, और जितना ज़रूरत था। तो बस ये अच्छे से पक जाएगा, और उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए अच्छे से पक गया था, और गैस को ऑफ़ कर दिए हैं, नमक भी इसमें पड़ गया है। तो बस जीरा राइस भी तैयार हो गया है, और मटर पनीर की सब्ज़ी भी रेडी है, और जो है आटा लगा के रखा हुआ है, जब सब मतलब खाने पे बैठेंगे ना, तो फिर पूरी वगैरह तल लिया जाएगा। ये देखिए कुकर में ही जीरा राइस बना था, बहुत इजी से बन गया है ये देखिए। और एक्चुअली मैंने एक हाथ में मतलब मोबाइल लिया था, तो कुकर का ढक्कन खुल नहीं रहा था, ये देखिए। तो जीरा राइस भी रेडी है, और आटा भी लगा के रखा हुआ है। तो बस इधर हम लोग रूम में आ गए थे, और ये देखिए रूम का डेकोरेशन कुछ इस तरह हुआ है, अच्छा लग रहा था दिखने में बैलून वगैरह का। तो ये देखिए इस तरह से कुछ डेकोरेशन हुआ है, अच्छा लग रहा था। और ये लाइट ऑफ करने के बाद का है, मैंने सोचा चलो इस तरह भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। छोटी छोटी लाइटें लगी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था रूम। और ये देखिए
लाइट ऑफ करने के बाद किस तरह दिखता है। तो बस सारे लोग हैं और यही हैं भाभी, और ये ब्लू शर्ट वाला है छोटा भाई, इसी की मैरिज एनिवर्सरी है दोनों लोगों की। तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद दोनों को ज़रूर देना, और दोनों लोग ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें दोनों लोग। आप लोग भी अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर देना इन दोनों को। तो ये बड़ी भाभी हैं और ये भैया हैं। तो बस कोई गेस्ट वगैरह नहीं आया है क्योंकि आप लोग जानते हो कि हालात कैसे हैं। तो बस फैमिली में जितने लोग हैं बस उतने ही लोग हैं, और बाहर से और कोई भी नहीं आया है। मैं और यहाँ तक कि मेरी एक बहन भी नहीं आई है, ना तो बुआ लोग ही आई हैं, मतलब कोई भी नहीं आया है। बस जितने लोग घर में थे बस उतने ही लोग हैं सारे। तो ये भाई और भाभी हैं, दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, यही दोनों लोग हैं। और यहाँ बच्चे अपना इंजॉय कर रहे हैं, और उसके बाद फिर अब इधर केक वगैरह कट होगा। तो इधर केक पे कैंडल वगैरह लग रहा है, ये देखिए। बस इधर दोनों लोग केक वगैरह कट करने जा रहे हैं, इधर मम्मी भाभी बहन सब लोग हैं इस साइड। और ये देखिए कैंडल वगैरह जल गया है, केक काटने जा रहे हैं। और 6 मई का डे है, और 6 मई का ही दिन था, मतलब दोनों की मैरिज एनिवर्सरी थी, इसी दिन का है ये वीडियो। और आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर देना इन दोनों को, इन दोनों की खूबसूरत जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें दोनों। और ये देखिए अपना केक वगैरह कट करने की तैयारी हो रही है, मतलब काट रहे हैं। इधर केक वगैरह कट हो गया था, और सब लोग सबको भाई मतलब खिला रहा था, और सब लोग ने खूब फुल एंजॉय किया था। और इधर देखिए देवरानी जेठानी का प्यार, बड़ी भाभी छोटी भाभी को केक खिला रही हैं, और सब लोगों ने खूब एंजॉय किया था, मतलब बहुत अच्छा लगा था। और भले ही मतलब कोई आ नहीं पाया था, लेकिन फिर भी मतलब अच्छे से हो गया था, सब अच्छा लगा था, और बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया था, ये देखिए। और इधर भैया हैं छोटी बहन के हस्बैंड, और ये देखिए भाभी को मैं भी केक वगैरह खिला रही हूँ, और ये बड़ी भाभी हैं। तो इधर भैया हैं केक खिला रहे हैं छोटी बहन के हस्बैंड, और ये देखिए भाई को कैसे लगा रहे हैं मतलब सबने खूब इंजॉय किया था। और ये देखिए लगा दिए हैं कैसे केक सारे फेस में। और
इधर जो है जिसको जो मतलब गिफ्ट वगैरह देना था सब लोग दे रहे हैं, और मतलब सब कुछ हो गया था, बस लास्ट में ही सब लोग गिफ्ट वगैरह दे रहे थे। और ये देखिए, और ये जो भैया है ना, यही रूम का डेकोरेशन वगैरह किए थे, और अच्छे से बैलून वगैरह का डेकोरेशन इन्होंने ही किया था, बहुत मेहनत किए थे। तो ये देखिए, सब लोग अपना गिफ्ट वगैरह दे दिए हैं, और इधर जो है बस थोड़ा सा फैमिली फ़ोटो हो जाए सब लोगों का। तो ये बड़ी भाभी और दोनों बच्चे हैं, भाभी के दोनों बच्चे हैं तमन्ना गोलू, और इधर जो है हम लोग हैं, मतलब मैं हूँ, दोनों भाभी हैं, बड़ी छोटी भाभी, और ये मेरे दो बहनें हैं, मेरी एक बहन नहीं आई है। तो बस ये सब हैं, और उसके बाद फिर इधर खाने पीने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि तो इधर थाली लग गया है, आज का थाली यही है, मटर पनीर की सब्ज़ी, सलाद, पूड़ी और जीरा राइस। तो चलिए, मैं अपनी वीडियो का एंड भी यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।